नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर और आपके साथ मैं हूं महक। खबर शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम कितना भी हंस ले, कितना भी खुश रहने की कोशिश कर ले, लेकिन जब दिल खुश ना हो तो फिर क्या फायदा। साथ ही दर्द जब दिल में होता है फिर तो इंसान और भी बेचैन रहने लगता है। दोस्तों, ये दिल के दर्द की ना तो कोई दवा है और ना ही ये दर्द इंसान को किसी लायक छोड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान की जगह जब से किसी दूसरे नेता को बीजेपी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है तब से वो खुश नहीं है। अब करे भी क्या, धोखा देने वाले भी अपने ही हैं तो गिला भी किससे करे। मध्य प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है तब से सीएम ना रहते हुए भी शिवराज सिंह चौहान लगातार सुर्खियों में है। कभी अपनी योजना लाडली बहना को लेकर दी गई प्रतिक्रिया से तो कभी लाडली बहनों के उनके प्रति सेने से। इसी कड़ी में उनका एक वीडियो सामने आया है, इसमें उन्होंने सियासत में कुर्सी की अहमियत बताई है। शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में थे, लोगों के बीच थे, इसी दौरान वो मोदी जी की तारीफ भी कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, जब हम दूसरों के लिए काम करने के लिए लक्ष्य तय कर ले तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। मुझे अभी भी एक मिनट फुर्सत नहीं है, लगातार काम में लगा हूं। ये अच्छा हुआ कि थोड़ा राजनीति से हटकर काम करने का मौका मिल रहा है। राजनीति में भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, सेवा करने वाले लोग मोदी जी जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं, मगर राजनीति में कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री है तो चरण कमल के समान है, मुख्यमंत्री ना रहे तो होर्डिंग से फोटो भी गायब हो जाती है। फोटो ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से सींग। होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। हाय हाय, कितना दर्द भरा है शिवराज सिंह चौहान के दिल में, लेकिन फिर भी बेचारे हंस रहे हैं। देखिए दोस्तों, बुरा तो लगता है, एक लंबे वक्त तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हर बार अपनी तस्वीर देखते होंगे मोदी जी के साथ बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर में, लेकिन अब जब एकदम से अपनी तस्वीर को हटता हुआ देखते होंगे तो बुरा तो बहुत लगता होगा उन्हें। और बुरा इसलिए भी ज्यादा लगता होगा कि अब वो इन बैनर होर्डिंग्स में अपनी तस्वीर की जगह किसी और की तस्वीर देखते हैं। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को अपने दिल को समझाना होगा कि वो अब ना ही राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ना ही कोई मंत्री हैं और ना ही पार्टी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी है। और हाँ, अगर मामा जी ये सोच रहे हैं कि उनके ये सब बोलने से उनकी तस्वीर होर्डिंग बैनर्स में लगाई जाएगी, तो देखिए मामा जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वही होता है जो मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी के ऑर्डर के बगैर एक भी पत्ता नहीं हिलता है। इसलिए भलाई इसी में है कि आपको अपने दिल और अपने आप को संभालना होगा। दोस्तों, आप शिवराज सिंह चौहान के दिल के इस दर्द को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइएगा।